महाराष्ट्र में धीरे धीरे कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है और यही कारण है कि अब राज्य सरकार ने अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन जैसे नियम तो लगाए हैं लेकिन कुछ रियायतें दी हैं। लेकिन इन रियायतों के बाद जरा तस्वीरें आप देखिए मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, क्या हाल है। लोगों को कहा गया है कि अगर ज़रूरी काम हो तो ही आप अपने घरों से निकले, लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इस वक्त आप ट्रैफिक देख रहे हैं और लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसे ही स्लो मूविंग ट्रैफिक जो है वो आगे बढ़ रही है। तस्वीरों में आप देखिए एक एम्बुलेंस है जो कि कोशिश कर रही है इस ट्रैफिक को चीर कर आगे निकलने की, और बड़ी मुश्किल से आप देखिए ये एम्बुलेंस अब यहाँ से पास हो पा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की दिखा रहे हैं और मुंबई के तमाम इलाकों में आप चले जाइए, आपको इसी तरह से कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई देंगी। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खुली रखने की अनुमति दी गई है। 3 बजे के बाद कोई भी बिना वजह बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही तस्वीरें रही तो सवाल लगातार यही उठता है कि शहर कोरोना से कैसे लड़ेगा। 1000 से कम मामले अब मुंबई में धीरे धीरे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सख्ती बढ़ती गई है सरकार की ओर से, और अगर इन नियमों का पालन आम जनता नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रेक द चेन योजना के तहत अब धीरे धीरे मुंबई को अनलॉक किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर हम कोरोना के नए मामलों की बात करें तो यहाँ पर 600 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, लेकिन अनलॉकिंग के दौरान लोग यहाँ पर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको दादर मार्केट की दिखा रहे हैं। देखिए ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और हमेशा ही यहाँ पर ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बीएमसी और साथ ही साथ मुंबई पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर लोगों की भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना उड़े और कोरोना नियमों का पालन किया जाए। लेकिन जैसे ही अनलॉक की शुरुआत हुई है वैसे ही यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो देखने को मिल रही है और मुंबईकर लगता नहीं है कि मानने को तैयार हैं। मुंबईकर साफ तौर पर यहाँ पर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, कोई मास्क उतार कर यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जरा आगे बढ़ेंगे आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और लगातार यहाँ पर भी जो बीएमसी के लोग हैं, जो क्लीनअप मार्शल्स हैं, वो लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम कोरोना नियमों का पालन किया जाए। लेकिन देखिए लोगों ने मास्क यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है और ये लापरवाही की हद है। एक तरफ मास्क नहीं पहने होना, दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाना। तो ये मुंबई शहर की तस्वीरें हैं और तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी हम कोरोना से ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं। लेकिन इसके बीच मुंबई करो कि ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि आखिर कैसे कोरोना से लड़ा जाएगा। लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है लेकिन लगता नहीं है कि ये कोशिश काम आ रही है। ज़रा तस्वीरों में दिखाएंगे, मुंबई पुलिस के कर्मी अब यहाँ पर पहुँच गए हैं और देखिए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग भीड़ कर रहे हैं यहाँ पर उनको हटाया जा रहा है, मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोग नियम का पालन तभी तक करते हैं जब तक मुंबई पुलिस यहाँ पर नजर आती है। जैसे ही पुलिस यहाँ से चली जाती है लोग एक बार फिर लापरवाही बरतते दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें हमने आपको मुंबई के दादर मार्केट की दिखाने की कोशिश की है और अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे में मुंबई कोरोना से कैसे जंग लड़ेगा। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ज़रूरी सेवाओं वाली दुकानों के अलावा भी अन्य दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बीएमसी ने साफ तौर पे कहा है कि ऑड इवन के हिसाब से ये दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन कन्फ्यूजन की एक तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाते हैं मुंबई के दादर इलाके की। आप देखिए ये रानाडे रोड है और यहाँ पर दोनों ही तरफ दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं और साफ तौर पर जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि जो गाइडलाइन जारी की गई है बीएमसी की ओर से उसमें ये कहा गया है कि ऑड इवन फॉर्मेट में दुकानें खुली रहेंगी, यानी पहले हफ्ते में सड़क की दाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शुरू रहेंगी और बाईं तरफ की दुकानें जो है वो मंगलवार, गुरुवार इस तरह से शुरू रहेंगी। दुकानदारों से भी हमने बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से हमने दुकानें यहाँ पर खोलकर रखी तो हैं, और अगर बीएमसी के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो खुद ही हमें बताएंगे कि दुकान खुली रखनी है या नहीं। सर ये आपकी दुकान है, हम देख रहे हैं 2 महीने बाद दुकान खुली है, लेकिन दोनों ही तरफ पर सड़क पर इस वक्त हम देख रहे हैं दुकानें खुली हैं जबकि ऑड इवन फॉर्मेट के तहत खोलना था। थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी, मगर एटलीस्ट क्या नहीं तो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने से बंद है दुकान हमारी, तो एटलीस्ट नीट एंड क्लीन हो जाएगी।
तो जो स्टेचूस वगैरह है साफ सफाई हो जाए, 2-2.5 महीने से साफ सफाई भी किया नहीं हुआ, तो सब डस्ट भी है, तो एक बार क्लीन हो जाएगी। जैसे रूल आएंगे वो फॉलो करेंगे। अभी तक आप लोगों को कोई आधिकारिक ऐसे गाइडलाइन नहीं दी गई कि आपको कब खुले रखना? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ने टीवी देख के आ गए कि 9 से 2 अपना 7 to 2 आपका शॉप खुला रहेगा, एसेंशियल सर्विस खुला रहेगा, वो हिसाब से हम लोग आ गए। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप देखिए कि दुकानों को यहाँ पर खोला गया है, साफ सफाई यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि जानकारी का अभाव है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुंबई के अधिकतर इलाकों में हमने देखा है कि दोनों ही तरफ दुकानें खुली हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ये दुकानदार कि BMC इन्हें सही जानकारी जो है वो समय से मुहैया कराए ताकि ये उन्हीं नियमों के तहत अपनी दुकानों को खुली रख सकें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क 2 गज दूरी करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।